हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं क्लास 4। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग किस तरह से करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, हम करेंगे न्यूज़पेपर पर कटिंग कि हमें किस तरह से अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करनी होती है। अगर आप स्टिचिंग भी करना चाहते हैं तो इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको अम्ब्रेला कटिंग फ्रॉक की स्टिचिंग का भी वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है, पेपर को ले लेना है। सबसे पहले हम ऊपर के पार्ट को कट करेंगे। तो ऊपर के पार्ट को कट करने के लिए मैंने ये एक पेपर ले लिया है और पेपर को लेने के बाद हम पेपर को इस तरह से डबल कर लेंगे। ये हमारी क्लास 4 है और पिछली क्लासों में हमने सलवार की कटिंग, कुर्ती की कटिंग सिखाई है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आप अगर इसकी स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम पेपर पर कटिंग करने वाले हैं। तो पेपर पर कटिंग करने से पहले हमने पेपर को इस तरह से डबल में फोल्ड कर लिया है। अब हम ऊपर की कटिंग का निशान लगाएंगे। ये पेपर है, हम पेपर पर कटिंग कर रहे हैं, आप इसी के अनुसार अपने कपड़े पर कटिंग कर सकते हैं। तो एक बार इस तरह से कपड़े को भी हमें इसी तरह से फोल्ड करना है। एक बार इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमें एक बार इस तरह से फोल्ड करना होता है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद आप ध्यान रखें कि ये जो हमारा टॉप पार्ट बनेगा ये हम 15 इंच का कट करेंगे, क्योंकि हमें नीचे का पार्ट लगाने के लिए अलग से कपड़ा लेना होता है। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करते हैं। तो टॉप पार्ट हम 15 इंच का कटिंग करते हैं और 14 इंच हमारा फिटेड बनता है। तो हमने यहाँ इस तरह से ये इसको फोल्ड कर दिया है। अब फोल्ड करने के बाद हम सबसे पहले यहाँ गले का निशान लगाएंगे। गले का निशान लगाने के लिए हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ अपने कपड़े में अगर आप लगा रहे हैं तो 3 इंच पे लगाइए। और ये यहाँ पेपर है तो हम यहाँ पेपर में इस तरह से अंदाजे से यहाँ निशान लगा रहे हैं। उसके बाद में हमें जो ये कंधे का नाप लेना होता है ये हम लेंगे। कपड़े पर अगर आप लेना चाहें तो 3.5 इंच लीजिए, आधा इंच आपका सिलाई में चला जाएगा और फिर आधा इंच सिलाई में चला जाएगा और यहाँ पर फिटेड आपका 3 इंच का बन के आ जाएगा। तो हम यहाँ ले लेंगे इतना। और ये आप अगर आप मीडियम साइज की लंबाई का फ्रॉक बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ लीजिए 7 इंच। यहाँ हम ले रहे हैं, ये पेपर है, पेपर की कटिंग और कपड़े की कटिंग में अंतर होता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि हमें किस तरह से कटिंग करनी होती है। तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। सबसे पहले हमें टॉप पार्ट की कटिंग करनी होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इस तरह से हम गले की लंबाई रखेंगे यहाँ 5.5 इंच। अगर हमें यहाँ गला फिटेड 5 इंच का चाहिए तो हम यहाँ 5.5 इंच की लंबाई रखेंगे, आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा इस तरह से। और हम यहाँ गोल शेप दे देंगे या आप किसी भी तरीके का शेप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। और यहाँ हम कंधे का निशान लगा लेंगे इस तरह से। कंधे का निशान लगाने के लिए हमें फ्रंट पार्ट में हल्का सा गहराई देकर निशान लगाना होता है। और बैक पार्ट वाला निशान हमारा ऊपर हो गया और फ्रंट पार्ट वाला हमारा निशान नीचे वाला हो गया। अब हमें यहाँ क्या करना होता है, आप अपनी कमर का नाप लीजिए। कमर की लंबाई मैंने बताया था आपको, यहाँ से 14 इंच का ही टॉप पार्ट फिटेड बनाना है। और अगर आप इससे ज्यादा लंबा बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन आपका 14 इंच में फिटेड में आपका बहुत ही बढ़िया अम्ब्रेला फ्रॉक बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से हम यहाँ अपने कमर का नाप लेते हैं। आपके कमर का नाप जितना भी हो आप उतना लीजिए। इस तरह से निशान लगाने के बाद में कमर के नाप का निशान लगाने से 2 इंच आप एक्स्ट्रा लीजिए ताकि हमारा सिलाई लगने के बाद यहाँ एक्स्ट्रा बचे। और इस निशान को फिर हम यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत ही आसानी के साथ आप अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग कर सकते हैं।
तरह से हमने ये आस्तीन की कटिंग तो कर ली है। अब हम यहाँ हमने यहाँ बैक नेक नहीं बनाया है, तो बैक नेक की हम कटिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ निशान लगाएंगे। बैक नेक हम बनाएंगे 2.5 इंच फिटे, तो यहाँ हमने 3 इंच पे निशान लगाया है और इस तरह से यहाँ पर भी गोलाई दे देंगे। तो सबसे पहले हम अपना यहाँ बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो ये हमारी बैक नेक की कटिंग हो गई है और इस तरह से हम हल्की से यहाँ गोलाई दे देंगे इस तरह से। और अब हम इसको खोल लेंगे। खोलने के बाद आप देखिए हमारा इस तरह से आ जाएगा और इस तरह से हम फ्रंट पार्ट को निकाल लेंगे, ये अलग कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट को निकालने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसकी कटिंग कर देंगे जो हमने एक्स्ट्रा में फ्रंट पार्ट के निशान लगाए थे। और ये हम फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से तो ये हमारा टॉप पार्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हमें यहाँ पर जो हमने 2 इंच इस तरह से अपनी एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए कपड़े पर कटिंग की थी, मतलब पेपर पर कटिंग करेंगे हम, ऐसे ही आप कपड़े पर भी कटिंग करेंगे यहाँ इस तरह से। अब ये हमारा टॉप पार्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम नीचे के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो नीचे की पार्ट की कटिंग करने के लिए हम 2 पेपर ले लेंगे। अगर आपके पास कपड़ा है तो आप 2.5 मीटर या 2 मीटर कपड़ा लीजिए और कपड़े को, ये अलग अलग है, कपड़े को आप डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से। और डबल फोल्ड करने के बाद सबसे पहले कपड़े को सही से बिछा लेंगे और कपड़े को डबल फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है, एक बार इस तरह से इसको फोल्ड करना है यहाँ इस तरह से। इस तरह से फोल्ड करना है। ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। अब हमें अपनी फ्रॉक का टॉप पार्ट लेना है जिसकी हमने कटिंग करी थी और उसको यहाँ रखते हुए इस तरह से बिल्कुल बराबर के साथ रखते हुए यहाँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ बराबरी के साथ हम टॉप पार्ट को तो रखेंगे ही, लेकिन हमें सबसे पहले यहाँ निशान लगा लेना है कि ये हमारा कितना है। ये हमारा आ रहा है 5.5 इंच। अब हमें यहाँ 5.5 इंच की निशान लगाना है कि यहाँ आ रहा है 5.5 इंच, लेकिन हमें ऊपर से भी निशान लगाना है यहाँ कि हमारा ये बराबर है या नहीं है। ये हमारा यहाँ 6.5 इंच आ रहा है और इधर भी हमें 6.5 इंच पे निशान लगाना है। उसके बाद आप नाप कर देखें कि आपका कितना आ रहा है। तो यहाँ आ रहा है हमारा 5.5 इंच। तो इसी तरह से हम फिर से अब इसको रखेंगे टॉप पार्ट को और इस तरह से हम यहाँ गोलाई देते हुए इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब ये निशान लगाने के बाद हमें नीचे की लंबाई की किस तरह से निशान लगाना होता है वो आप देखेंगे। तो हम निशान नीचे की घेरा बनाने के लिए, घेर का कपड़ा कटिंग करने के लिए हम यहाँ से निशान लगाएंगे और लंबाई लेंगे। आपको जितनी भी आपकी फिटेड लंबाई रखनी है आप उसी के अनुसार यहाँ से लंबाई लेंगे इस तरह से। तो इस कपड़े इस पेपर में आ रही है यहाँ से 21 इंच, तो हम 21 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। इसको फीते को यहाँ उठाते हुए इस तरह से हम यहाँ 21 इंच पे निशान लगाएंगे। इसी तरह से हम इसको उठाते हुए यहाँ 21 इंच पे निशान लगाएंगे और इस फीते को यहाँ उठाते हुए हम यहाँ भी 21 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हमने ये जो निशान लगाए हैं इस तरह से, अब हम इनको इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ये निशान हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम इसी निशान पर इसकी कटिंग। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो आप देख सकें। अगर आप सिलाई देखना चाहते हैं तो इसी के डिस्क्रिप्शन में मैंने अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग का लिंक दे दिया है। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसी तरह से हमें इसकी यहाँ कटिंग कर लेनी है। इस तरह से
तो ये हमारी इस तरह से आ जाएगी, ये हमारा घेर आ गया है इस तरह से, और ये हमारा ऊपर का इस तरह से टॉप पार्ट आ गया है इस तरह से। ये देखिए आप यहाँ बिल्कुल फिटिंग के साथ आया है, जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो यहाँ ये सिलाई में आ जाएगा इस तरह से, क्योंकि ये लंबा है थोड़ा सा, जब हम इसको अंदर करके यहाँ सिलाई लगाएंगे तो ये हमारा फिटेड आ जाएगा। तो इस तरह से हमने अपनी अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग कर ली है, और ये हो गई हमारी अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग। और अब हम क्या करने वाले, ये हमारा इस तरह से आ गया है अम्ब्रेला फ्रॉक, तो इस तरह से हमारी ये कटिंग हो गई। अब हम इस जो हमारा बाकी का पेपर बचा था, इसी तरह से आपका जो बाकी का कपड़ा बचे आप उसमें आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। तो आस्तीन की कटिंग करने के लिए ये हमारा डबल कपड़ा है, मतलब डबल पेपर है, ये हमारा डबल पेपर है, और पेपर को हम इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हमें आस्तीन की कटिंग किस तरह से करनी है वो आप देखिए। हम आस्तीन की कटिंग इस तरह से करते हैं, ये जो हमने आर्म होल की कटिंग करी थी इस कटिंग को नाप लीजिए इस तरह से, ये हमारी आ रही है यहाँ 5.5 इंच। अगर ये आपकी 5.5 इंच आ रही है तो आप इसमें 1 इंच पूरा एक्स्ट्रा ऐड करने के बाद ही आप इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ ये 5.5 इंच आ रही है और हम यहाँ लेंगे इसको 6.5 इंच, क्योंकि हमारा जब आस्तीन सिलते हैं तो ये हमारी फिट हो जाती है, हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है यहाँ। तो हम जब 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो हमें फीते को जैसे हमने इस तरह से यहाँ फीते को इस प्रकार रखा था तिरछे में, उसी प्रकार हम आस्तीन के लिए यहाँ कोने वाली साइड पे इस तरह से रखते हुए और तिरछे में यहाँ तिरछे में रखेंगे। तिरछे में रखने के लिए आपको एक, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कितना तिरछा रखना है तो आप यहाँ से 2.5 इंच या 2 इंच पर निशान लगा लीजिए, यहाँ 2 इंच निशान लगा लीजिए, और यहाँ आप अपनी आस्तीन की लंबाई देख लीजिए। आप अपनी आस्तीन की लंबाई जितना रखना चाहते हैं उसमें 2 इंच प्लस कर लीजिए, क्योंकि आस्तीन जब हम फोल्ड करते हैं तो फोल्ड में चला जाएगा और यहाँ सिलाई में चला जाएगा। उसके बाद आप अपनी आस्तीन की आगे की फिटिंग देख लीजिए, फिटिंग आपको कितनी रखनी है। तो फिटिंग में आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा काटिए, यहाँ एक्स्ट्रा छोड़िए, और इस तरह से इस निशान को यहाँ मिलाना है हमें और इस निशान को यहाँ मिलाना है। अब हमें क्या करना है, इस तरह से हमें जब ये कटिंग हो गई तो हमें इस निशान को सबसे पहले आप यहाँ बिल्कुल आसानी के साथ मैं आपको आस्तीन की कटिंग बताने वाली हूँ, तो यहाँ 3 इंच पे आप एक मार्क लगाइए। 3 इंच पे मार्क लगाने के बाद ये वाली लाइन इस तरह से घुमाते हुए हल्की सी गुलाई देते हुए और यहाँ ले जाकर और इसको इस तरह से ऊपर की ओर ले जाते हैं। ये हमारी आस्तीन की कटिंग का निशान लग गया है, अब हम इस पर ही कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ये हमारी इस कपड़े में हमारी जो हमारा नीचे की साइड में जो कपड़ा बचता है उसमें हमारी आस्तीन निकल जाती है। तो इस तरह से हमारी आस्तीन की कटिंग भी हो गई, देखिए आप इस तरह से हमारी आस्तीन खोलने पर इस तरह से आएगी, ये हमारी आस्तीन की कटिंग हो गई। अब हम देखिए ये हमारा नीचे का घेर हो गया है और इस तरह से हमारी ये वाली कटिंग हो गई इस तरह से, और ये हमारी आस्तीन की कटिंग हो गई इस तरह से। तरह से ये हमारी आस्तीन की कटिंग हो गई है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये हमारी अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग हो गई है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।